करने वालों को, कब्जा 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 करने वालों को, हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगाओ, उठा करके 25 एकड़ जमीन उठा करके बाहर फेंक दिया। बड़े बड़े नेता उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी वहां जमीनें थी, उनको भी उठा करके फेंका। कहां कार्रवाई नहीं करी। लेकिन अगर यहां कोई कह रहा है ये पाली भगत की कोठी है, अगर उसके कागज नहीं है उसको भी गिरा। मामला मुक्ति जो है वो सियासत करने के लिए श्रीनगर से यहां पर आती है, उसके बाद एक इकाई जो माहौल है वो पूरा समझ आता है। आपको लगता है कि इस मसले पर कुछ लोग हैं वो सियासी रोटियां देख रहे हैं? सियासी रोटियां नहीं, कम्युनल थे, कम्युनल व्यवस्था बना रहे हैं। यहाँ आपस में फसाद चालू हो गया है। जो गुज्जर यहाँ देने आते हैं वो भी बेचारे डर गए हैं। अरे दूध कुछ ही बेचना, हिंदू वहीं बेचना नहीं, तो ये कहाँ से मसला पैदा हो गया? मैं बुबा मुफ्ती के समय जो कोर्ट के अंदर 2015 डॉक्यूमेंट JDA ने पेश करा, मैंने पीछे पत्रकारों को बताया कि वो डॉक्यूमेंट मैं बुबा मुफ्ती के समय दिया। और अब कुछ लोग वहाँ बैठ कर वो कहते हैं जी ये एक्शन कमेटी, किस बात का एक्शन भाई? नजायज कब्जा धारियों का एक्शन जब कोर्ट ने निर्णय कर दिया, तो इसमें कहते हैं ये कोर्ट का निर्णय रोशनी एक्ट के लिए था। जब रोशनी एक्ट के तहत ही आप बैठे और आपने अप्लाई करा, कोर्ट ने नहीं माना, उसके बाद आपको वहाँ एक्शन कमेटी, एक्शन करने का क्या है? कौन सा एक्शन? नजायज कब्जाधारियों का समर्थन करने का एक्शन। बाकी मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करता हूँ, अगर कुछ लोग नाम लेकर के कोर्ट बलवाल कह रहे हैं, अरे कोर्ट बलवाल के तो कहूँगा तुम्हारी जमीन है खाली करा भाई, नहीं कराएगा। मैं परसों JDA ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ धरना दूंगा, कागज बाहर निकालूंगा। अगर वो बड़े बड़े दरख्तों को अपनी 70 छाया के अंदर रखने का प्रयास करेंगे तो नहीं रखने दूंगा भाई। आप प्रेस वालों को भी वहां बुलाऊंगा, कागज निकलवाऊंगा। बाली भगत के कागज निकालने के लिए परसों जा रहा हूं मैं, प्रेस वालों को भी इनवाइट करूंगा, प्रेस वाले भी वहां पहुंचे, धरना दूंगा। कागज अगर होंगे ठीक, नहीं होंगे बाली भगत की कोठी भर जाऊंगा और JDA वालों को बोलूंगा।